हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट एमएनएस टारगेटिंग एमएनएस 2022 सो दिस इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन बायोलॉजी का चैप्टर है चैप्टर क्लास ट्वेल्थ का वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग सारे एमसीक्यूज जितने कवर कर सकते हैं पूरे चैप्टर से वो कवर करेंगे ओके सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एम है डैश इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक ये डायरेक्टली एन का क्वेश्चन है उसे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है जिसमें ब्रीडिंग का और लाइफ स्टॉक रेज करता है उसे क्या कहते हैं ब्लांड ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग एनिमल हस्बेंड्री एपिकल्चर एंड थोड़ा फास्ट करेंगे इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू डैश डील्स विद द इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क जिसमें हम इंक्रीज करते हैं एंड इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मिल्क की उसे क्या कहते हैं फार्म मैनेजमेंट डेयरिंग मिल्क प्रोडक्शन बोथ ए एंड बी एंड इसका राइट right आंसर जो एग्जैक्ट आंसर है मैं उस पर ध्यान देना है तो आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर डेयरिंग मिल्क प्रोडक्शन तो बहुत लोग करते हैं लेकिन डेयरिंग करना मतलब इन्हांस करके किसी चीज़ को क्वालिटी इंप्रूव करके मिल्क बनाना दैट इज़ डेयरिंग ठीक है इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे जैसे कि आपके कर्ड चीज एंड ऑल ये सब भी आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री इन ब्रीडिंग रेफर्स टू इन ब्रीडिंग किसे कहते हैं मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड्स मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर फोर टू सिक्स जनरेशन मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ सेम स्पीशीज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज मैं अगेन बोल रही हूँ जो एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट आपको एम में आंसर लग रहा है उसे ही चूज करना है उसी ऑप्शन को ही चूज़ करना है यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हैं बट ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो ऑप्शन बी है इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड ऑफ फोर टू सिक्स जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन इन ब्रीडिंग किस में हेल्प करता है डिक्रीजिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजिंग ईल्डिंग एंड क्वालिटी इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल बोथ बी एंड सी ठीक है तो इन ब्रीडिंग से क्या होता है इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एन सी एक तो ईल्डिंग एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो मैंने बोला उसे इंक्रीज करता है ऊपर से प्योर लाइन जो वीकें uh, से जो जेनेटिक है जो जीन्स है उसे मेंटेन रखता है उसे मेंटेन रखता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव कॉन्टीन्यूस इन ब्रीडिंग यूजअली रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी अब एक ही चीज़ को किस बार 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 आप यूज़ करोगे तो वो घिस जाता है वैसे ही कॉन्टीन्यूसली इन ब्रीडिंग करते जाएंगे तो फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है प्रोडक्टिविटी जो कि आप क्वालिटी और क्वान्टिटी की बात करें तो वो भी रिड्यूस हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ब्रीडिंग डिप्रेशन इन ब्रीडिंग स्ट्रेस आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन ये डायरेक्टली एन का ही पॉइंट है एक दैट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स नेम अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव एंड मैरिनो रैम्स ठीक है उसे क्या कहते हैं एक ऐसा नया ब्रीड है शीप का जो कि पंजाब में डेवलप किया गया है क्रॉसिंग कराई गई है बीकानेरी ईव्स की क्रॉसिंग कराई गई है मैरिनो रैम्स के साथ तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज हिसार्स ठीक है क्या कहते हैं हिसार डेल्स कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किन दोनों की क्रॉसिंग से बना है हिसार डेल तो याद रखेंगे बीकानेरी ईव्स एंड मेरीनो रैम्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन आगे और भी अमेजिंग क्वेश्चन आ, आ रहे हैं आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज आर मेटेड नॉन एज मेल एंड फीमेल अलग अलग स्पीशीज की स्पीशीज ही डिफरेंट है उन्हें मेट किया गया उन्हें क्रॉस किया गया उसे क्या कहेंगे आउट क्रॉसिंग आउट ब्रीडिंग इंटर स्पेसिफिक हाइब्रेडाइजेशन क्रॉस ब्रीडिंग तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रेडाइजेशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है कैसे याद रखेंगे जैसे आप दो स्कूल्स के बीच में कॉम्पिटिशन होता है तो बोलते हैं ना इंटर स्कूल कॉम्पटिशन या इंटर कॉलेज कॉम्पटिशन है तो वैसे ही इंटर स्पेसिफिक दो स्पीशीज के बीच में मीटिंग हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट मोएट एट स्टैंड फॉर ऑप्शन आर मैक्सिमम ओव्यूज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मल्टीपल ओव्यूलेशन एग्स टेक्नोलॉजी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर कौन सा राइट right आंसर है इसमें सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एम ओ ई टी मो एट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ बीज फॉर रेयरिंग एज रेयरिंग में या फिर वी कैन से एपीकल्चर है ना बीज का जब कल्चर करते हैं या उनकी ब्रीडिंग उनकी पूरी देखभाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं एपीकल्चर बोलते हैं तो एपीकल्चर में जो सबसे कॉमन जो बी की स्पीशीज है वो कौन सी है इंडिका एपिस एपिस इंडिका एपिस मेलीफेरा एंड एपिस बंसर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज एपिस इंडिका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन नेम द फिश हैविंग रिसोर्स ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स आ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इज होगा यहाँ पे वैसे तो ऐसी फिश का नाम बताना है जो कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड उसमें भरपूर मात्रा में मिला जाता है रिच सोर्स होता है ऑप्शन आर मैकेरल हिल्सा कैटला रोहू इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज़ मैकेरल कई बार आपसे ये भी पूछ ल पूछ लिया जाता है कौन सी फ्रेश वाटर फिश है और कौन सी मराइन वाटर फिश है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे कैटला और रोहू जो है यहाँ पे ये फ्रेश वाटर फिश है एंड वहीं पे मैकेरल एंड हिल्सा जो है ये मराइन वाटर फिश है इस बात को याद रखेंगे एग्जाम्पल याद रखेंगे एन में लास्ट में दे रखा है नेक्स्ट एलेवेंथ क्वेश्चन ये देखिए आई गया विच इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर फिश फ्रेश वाटर फिश कौन सा नहीं है आपको बताना है तो मैंने अभी आपको बताया कैटला और रोहू तो फ्रेश वाटर है ये तो आपका ऑब्वियसली एलिमिनेट हो गया क्योंकि मैंने आपको बता दिया अब देखिए पॉम्फ्रेड्स एंड कॉमन कार्प इन दोनों में से कौन सा एक फ्रेश वाटर फिश नहीं है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज़ पॉमफ्रेड फ्रेश वाटर नहीं है मतलब वो मेराइन वाटर फिश है वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हु इज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन ब्लू रेवोल्यूशन का फादर कौन है ऑप्शन आर नॉर्मन बॉर्डलॉग वर्गीज क्यूरियन डॉक्टर हीरा लाल चौधरी एम एस स्वामीनाथन तो नॉर्मन बॉर्डलॉग ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर रह है चुके हैं नॉर्मन बॉडलॉग एम एस स्वामीनाथन इंडियन फादर रह चुके हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के वर्गीज क्यूरियन की बात करें ऑप्शन बी तो ये जो है वाइट रेवोल्यूशन जो कि रिलेटेड टू मिल्क है उसके फादर रह है चुके हैं और ब्लू रेवोल्यूशन जो कि फिशेस से रिलेटेड है एक्वेटिक लाइफ से रिलेटेड है डॉक्टर हीरालाल चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू रेवोल्यूशन के फादर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन प्लांट ब्रीडिंग हेल्प्स इन प्लांट ब्रीडिंग किस चीज़ में मदद करता है इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस रेजिस्टेंस टू पैथोजन इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्टिसाइड ऑल ऑफ दीज तो प्लांट ब्रीडिंग इंक्रीज करता है स्ट्रॉन्ग uh, बनाता है प्लांट्स को ताकि वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से लड़ सके सही है रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस कीड़े ना लगे प्लांट्स में इसलिए भी हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं ये भी सही है एंड इंसेक्ट्स पेस्ट से टॉलरेंस मिल सके उसे इंक्रीज कर सके अपना टॉलरेंस ये भी सही है ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड हम लोग कलेक्ट करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स ताकि जो भी हमें जीन्स चाहिए वो डिफरेंट एलील्स जो में है जो मात्रा में है हमें वो मिल सके उसे हम क्या बोलते हैं क्रॉसिंग पेरेंट्स नहीं क्रॉस तो हमने कुछ नहीं कराया हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है राइट एवोल्यूशन ऑफ जीन्स जर्म प्लाज कलेक्शन एंड सेलेक्टिंग सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट सेलेक्टिंग सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट ये तो सेकेंड में आएगा अभी हमने सारे के सारे जीन्स कलेक्ट किए हैं तो इसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं जिसमें हम सारे के सारे जीन्स कलेक्ट करते हैं उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करते हैं सुपीरियर जो पेरेंट्स होते हैं जो जीन्स जिनमें पाए जा रहे हैं जो हमें चाहिए डिज़ायरेबल जीन्स जिस पेरेंट्स में हैं हम उसे कलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद उसकी क्रॉसिंग कराते हैं फिर जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं उन्हें सेलेक्ट करते हैं जो सुपीरियर वन हो फिर उसको अपने उस जीन्स में डालते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट था हमें जैसे बेटर बनाना था हम उसमें ऐड करते हैं उसके बाद हम लोग उसको रिलीज़ करते हैं एंड कमर्शलाइजेशन करते हैं इन द मार्केट ओके फिफ्टीन क्वेश्चन पे जाएंगे नेम द हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ राइस राइस की हाइब्रिड वेराइटीज़ कौन सी है सोनालिका एंड कल्याण सोना जया एंड रत्ना पूसा कोमल एंड पूसा सदाबहार हिमगिरी एंड पूसा गौरव तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दैट इज़ जया एंड रत्ना इसका राइट right आंसर हो जाएगा सोनाली कांड कल्याण सोना ये वीट के हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं पूषा सदाबहार की बात की जाए तो ये चिली की हाइब्रिड वेराइटी है हिमगिरी की बात की जाए तो ये भी वीट की है ओके नेक्स्ट पूसा गौरव की बात करें तो ये ब्रासिका की है वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पे चलते हैं सिक्सटीन सैक्रम बर्बेरी एंड सैक्रम ओफिसनारम आर स्पीशीज ऑफ ये दोनों किसकी स्पीशीज़ हैं सैक्रम बर्बेरी एंड सैक्रम Okra, ओकरा ओकरा मतलब भिंडी की ठीक है भिंडी की ब्रासिका काउपी शुगर केन तो ये पूरी स्टोरी बता रखी है आपको कि सैक्रम बर्बेरी जो है और ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता था नॉर्थ इंडिया का शुगर केन है नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता था एंड इसमें कोई भी शुगर कंटेंट अच्छा नहीं था ठीक है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसका वेट बहुत ज़्यादा होता था और सैक्रम ओफिसिन आरम जो था इसका वेट बहुत कम था बट इसकी शुगर क्वांटिटी बहुत क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो इन दोनों की क्रॉसिंग करा दी गई ठीक है और उसके हेल्प से अब जो बना नया जो, जो मटेरियल बना नया जो प्रोडक्ट आया उसे अब नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता है ठीक है तो ये किसकी स्पीशीज़ है अगर पूछे दैट इज़ शुगर केन की स्पीशीज़ है ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स इज कॉल्ड ब्रीडिंग करना क्रॉप्स की लेकिन हायर विटामिन से और मिनरल से उसे क्या कहते हैं बायो मैग्नीफिकेशन बायो फोर्टिफिकेशन म्यूटेशन ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन डायरेक्टली एन टी बेस्ड एटींथ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वैसे तो ये जीके में आ जाएगा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन ये कहाँ पे मिलता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली देहरादून कटक बैंगलोर कटक में तो आपको पता है राइस का इंस्टीट्यूट है ना राइस इंस्टीट्यूट बैंगलोर देहरादून नहीं होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दैट इज़ न्यू दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वन ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज अल्टरनेट सोर्स बताना है प्रोटीन का ऑप्शन है स्पायरोना सिंगल सेल प्रोटीन अगर अगर बोथ ए एंड बी ठीक है इसका आंसर जो है ये डायरेक्टली जो यहाँ से लिया गया है ये लाइन इसके बाद इसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल सेल प्रोटीन ठीक है बट ऑप्शन ए देखें तो स्पायरोना स्पायरोना किसका एग्जाम्पल है सिंगल सेल प्रोटीन का ये तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन जायज़ हैं ऑप्शन डी यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द कैपेसिटी टू जनरेट जनरेट अ प्लांट अवॉर्ड नहीं होगा जनरेट अ प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट ठीक है पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर देना एक्स प्लांट के हेल्प से एक्स प्लांट मतलब किसी भी प्लांट का एक छोटा सा पार्ट ये कोई प्लांट है तो इसका एक आप छोटा सा पार्ट ले लेते हो ठीक है और इसी पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर देना उसे क्या बोलते हैं टिश्यू कल्चर टोटीपोटेंसी सोमाक्लोन्स एंड सोमैटिक हाइब्रिड्स दिस इज नॉन एज टोटीपोटेंसी ठीक है और ऐसे ही करके बहुत सारे प्लांट्स डेवलप करना थाउजेंड ऑफ प्लांट्स उसे टिश्यू कल्चर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन नेम द मैथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर थाउजें्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं एंड जो मेथड हो गया उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे ऑप्शन देख लेते हैं माइक्रो इंजेक्शन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग आउटक्रॉसिंग राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोपोगेशन उसे बोलते हैं माइक्रोपोपेशन नेक्स्ट ट्वेंटी टू क्वेश्चन व्हाट आर सोमा क्लोन्स आपने फर्स्ट चैप्टर में बायो के पढ़ा होगा क्लोन्स जो कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एनिमल्स के में आता है ठीक है सोमा क्लोन्स प्लांट्स रिलेटेड होता है प्लांट्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ऑरिजिनल वन ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकली इतना इशू नहीं है ठीक है डिफरेंट तो बिल्कुल भी नहीं सेम होना चाहिए तो जेनेटिकली होना चाहिए आइडेंटिकल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच पार्ट ऑफ अ प्लांट नेवर इन्फेक्ट्स विद वायरस कौन सा प्लांट का ऐसा पार्ट है जो वायरस से इन्फेक्ट नहीं होता पूरा का पूरा प्लांट जो है आपका वो इन्फेक्ट हो जाता है लेकिन बस वही पार्ट है जो इन्फेक्ट नहीं होता है. रूट्स लीव्स मेरेस्टेम कैम्बियम तो रूट्स नहीं हो सकता रूट्स में तो हमें दिखता है अगर निकालेंगे तो वायरस पूरा बाहर खराब हो जाता है लीव्स भी खराब होने लगती हैं तो पता चल जाता है कैम्बियम नहीं होगा मेरिस्टम इसका राइट right आंसर होगा एपिकल मेरिस्टम हो या फिर एग्जिलरी मेरिस्टम हो कोई भी मेरिस्टम कभी उसमें वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर नेम द हाइब्रिडाइजेशन इन विच आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज़ आर क्रॉस ऐसे हाइब्रिडाइजेशन का नाम बताइए जिसमें प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया जाता है उसके बाद अलग अलग वेराइटी की होती हैं वो और फिर उन्हें क्रॉस कराया जाता है ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड माइक्रोप्रोपिगेशन हाइब्रिडाइजेशन। इसका राइट right आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी दैट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे उसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव परपजफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिज़ायर्ड प्लांट टाइप दैट आर बेटर सूटेड फॉर कल्टिवेशन गिव बेटर ईड्स इज ऐसे पर्पजफुली अगर आप किसी प्लांट में अपना डिज़ायर्ड जीन डाल देते हो ताकि बेटर कल्टिवेशन हो मतलब वही क्वालिटी और क्वान्टिटी चाहिए हो उसे क्या बोलेंगे तो उसे प्लांट ब्रीडिंग कहेंगे ये जो प्रोसेस है ये प्लांट ब्रीडिंग है ट्वेंटी सिक्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रोवेंट इज सिचुएटेड इन इंटरनेशनल सेंटर जो है वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट का वो कहाँ सिचुएटेड है इंडिया जापान राइट आंसर ऑप्शन ए दैट इज हैक्सिको नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन हिमगिरी वेराइटी ऑफ वीट विच डेवलप बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्शन इज मेनली रेजिस्टेंस फॉर हिमगिरी जो है ये वैरायटी है वीट की ये मैंने आपको बता दिया इसका हाइब्रिडाइजेशन किया गया ताकि ये इसको रेजिस्टेंस मिल सके ताकि इसमें कौन सी चीज़ ना लगे क्या ना लगे वाइट रस्ट ना लगे ब्लैक रॉट एंड कर् ब्लाइंड ब्लैक रॉट या लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट या बैक्टीरियल ब्लाइंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट ना लगे इसमें ट्वेंटी एट इन बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय मग बीन को रेजिस्टेंस बना दिया गया येलो मोजैक वायरस से एंड पाउडरी मिल्ड्यू से विद द हेल्प ऑफ कौन सा मेथड म्यूटेशन हाइब्रिडाइजेशन फंगीसाइड्स क्रॉस ब्रीडिंग फंगीसाइड्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्रॉस ब्रीडिंग इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा दैट इज म्यूटेशन म्यूटेशन से हम जीन्स को ऑल्टरनेट करके एंड फिर चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस बना सकते हैं ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन प्रभाणी क्रांति विच हैज रेजिस्टेंट टू येलो मोजै वायरस इज अ वेरायटी ऑफ मेनली प्रभाणी क्रांति जो है ये एक नाम है किस चीज़ का किस वेराइटी का नाम है भिंडी काउपी ब्रासिका कॉलीफ्लावर इसका राइट आंसर हो जाएगा भिंडी भिंडी का है ये नाम दैट इज प्रभानी क्रांतिकारी और काउपी का तो आपको पता है ये पूसा कोमल पूसा कोमल हो जाता है इसका नाम ठीक है ब्रासिका का मैंने बताया था पूसा गौरव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एटलेस 66 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्किंग एटलेस 66 सिक्स इज हाई प्रोटीन कंटेंट वेराइटी ऑफ राइस बाजरा वीट बार्ले तो एटलेस 66 किसका हाई प्रोटीन कंटेंट वेराइटी है मार्क आंसर इसका राइट right आंसर हो जाएगा वीट ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच केमिकल इज़ यूज इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल एसिडीन एच एन ओ टू एथिनॉल एंड द राइट ऑप्शन इज पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल ये नीट में भी कई बार पूछा गया और आपको पता है लास्ट टाइम एमस में नीट के भी क्वेश्चन आए थे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू ग्रीन रेवोल्यूशन इज